यार वो कहा जाता है कि भाई बेवकूफ इंसान को आप जितनी मर्जी अच्छी चीज दे दो लेकिन वो फिर भी जानबूझकर बेवकूफी ही करेगा। और इसका मैं आपको आज एक जीता जागता उदाहरण देता हूँ। ये बात है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर कुछ बेवकूफ ड्राइवरों की। अभी ध्यान से देखो इस वीडियो को और इसे आप बिल्कुल भी स्किप नहीं करोगे, ताकि मेरे बताने से शायद आप अपनी इस अनमोल सी जान को रोड पर दौड़ते इन भूखे भेड़ियों से बचा सको। जी हाँ, ये भूखे भेड़िए ही हैं। इनकी कई बार ऐसी छोटी गलतियों की वजह से कईयों की जान चली जाती है। जैसे हर गाड़ी की चलने की एक अलग लिमिट होती है, वैसे ही रोड पर चलने के भी कुछ नियम होते हैं, जो कि ये ट्रक वाले उन्हें सरेआम तोड़ते हुए जाते हैं। आपके सामने सब कुछ है। ये 8 लाइन रोड है, 4 लाइन आने की और 4 लाइन जाने की, जिनमें से फर्स्ट की 2 लाइनें सिर्फ हाई स्पीड व्हीकल्स के लिए ही होती हैं, जैसे कार वगैरह, जिनकी स्पीड 80 से 120 तक हो सकती है। और ये ट्रक ड्राइवर अपने इस भारी भड़कम ट्रक को सेकंड लाइन में लेके चल रहे हैं। भाई को जरा भी परवाह नहीं है कि उनकी वजह से किसी की जान भी जा सकती है। यहाँ मैंने सिर्फ किसी एक ट्रक वाले को नहीं देखा ये गलती करते हुए, बल्कि मैंने सिर्फ 10 मिनट में ऐसे कई ट्रक देखे हैं जो सरेआम रूल्स को तोड़ते हुए जाते हैं। ये सच है कि सड़क पर सुरक्षित चलने के लिए नियमों का पालन करना बहुत जरूरी होता है, लेकिन बेवकूफियों से बचने के लिए सड़क पर सुरक्षित रूप से चलना हम सभी की जिम्मेदारी होती है। अब ऐसे में ट्रक ड्राइवरों को भी सुरक्षित चलने के लिए जागरूक होना चाहिए। ये सुरक्षा समस्या की गंभीर बात है। ऐसे अत्यधिक भारी ट्रक सेकंड लाइन में चलना अत्यंत खतरनाक हो सकते हैं और इससे कई दुर्घटनाएं हो सकती। सड़क सुरक्षा के लिए सभी ड्राइवरों को अपनी अपनी जिम्मेदारी बजाय रखनी चाहिए, ताकि ऐसी घटनाएं कम हों। ऐसी और वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को कर दें लाइक।